सर मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं क्या? अरे भाई जो टॉपर होगा, जो जिसकी जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक आने वाली है, उसके सारे सवाल हमेशा सॉल्व हुए होंगे। नहीं कि सर 10 में से एक सवाल तो ऐसा बनता है जिसमें हम अटके और थोड़े हमें लगे झटके, और वो झटके हमें ना अटकने दे कभी भी। जितने झटके दिलवाने हैं, जितने आपको हमें हम पे बम्बार्डमेंट करनी है, जितने हमारे सामने डिफिकल्ट सवाल फेंकने हैं, यही फेंको सर, ताकि जब हम पेपर में जाएं तो हमें वो सवाल आसान लगे, क्योंकि हमने उसे बड़ी बड़ी सिचुएशंस पहले ही डील कर रखी है। सर मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं क्या? अरे भाई कुछ लोग सोचते हैं कि बस क्लासरूम लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स बना लिए, लेक्चर की रिवीजन कर ली, दैट इज द पार्ट। क्लास में अगर सर ने हमें 12 सवाल करवाए हैं तो हमें वो 12 ही करने हैं। नहीं जी, कई बोलते हैं कि माइंड गॉड गिफ्टेड है, उनके सामने भी अगर आप उनको बिना पढ़ाए कोई सवाल रख दोगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, वो ये पूछेंगे सर इसमें करना क्या है। तो दैट मींस भगवान ने जब हमें धरती पे भेजा तो सबको एक लेवल पे भेजा है। अब हमारी प्रैक्टिस, हमारी डेडिकेशन हमें डिसाइड करेगी कि हम कितना ऊपर जाना चाहते हैं, हम कितना एफर्ट लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होगा, जो जिसकी जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक आने वाली है, उसके सारे सवाल हमेशा सॉल्व हुए होंगे। नहीं, जो भी सवाल उससे नहीं सॉल्व हुआ, उसने उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हुई मुझसे, कहां मैं अटका। अच्छा ये वाली बात है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, वो सारी बातें वो सीख सीख के आगे बढ़ रहा है। तुम अलग सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि बस दे धनाधन, 100 स्टेजेस आ सकती है, बट आपको हर एक को क्रॉस करके गुजरना है। दिस इज द लर्निंग प्रोसेस, और डिफिकल्ट है, लंबा है, तो भैया कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा उसके आगे कोई अड़ा नहीं। तो अगर आप लड़ने वाले एटीट्यूड में हो तो फिर 100% आप जीत जाओ। भैया किताब से हर संकट टल जाता है, वैसे ही जिंदगी में आगे आने वाले जितने भी संकट हैं वो आपकी किताब से टल जाएंगे, पढ़ाई से टल जाएंगे, बस पढ़ते रहिए प्लीज। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शौहरत के शिखर पे पहुंचने के लिए, शौहरत के शिखर पे पहुंचने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं वहां पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, एंड वी आर रेडी सर, वी आर रेडी इन एवरी मैनर। ये सपने बड़े दिखाता है, अच्छे नंबर आएंगे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, नंबर थोड़े कम आएंगे तो कोई बात नहीं सर, हम देखेंगे कि हमारे नंबर किस वजह से कम आए। बैकलॉग कवर करने वाले पॉइंट्स या फिर अपना रिवीजन करने वाले पॉइंट्स ये बहुत कम मिलते हैं, तो जब भी मिले इनको यूटिलाइज कीजिए प्लीज। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पीछे कोई खड़ा है। मैंने कहा यार, फिर पीछे मुड़ के देखता हूँ, कोई नहीं है। उस रात सामने वाली टेबल पे बॉटल रखी, अब की बार वो बॉटल गिरी।